नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज व्हाट आवर टुडेज टॉपिक. इट्स अनदर नेम इज लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट लॉ ऑफ इनर्शिया. आज हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम कुछ बेस न्यूमेरिकल्स करेंगे. कुछ एक क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे. दिस इज आवर लेक्चर टुडे. तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट रिमेन्स इन रेस्ट. अगर बॉडी रेस्ट में है तो कहाँ रहेगी, रेस्ट में रहेगी. एंड इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन व्हाट मोशन. अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी. बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो कहाँ रहेगी, रेस्ट में रहेगी. और मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी. अनटिल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी. देखते हैं तो क्या कहता है. तो इसका मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो u ही रहेगी और v है तो v ही रहेगी. ठीक है. एफ एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जीरो. इसने कितना कहा है, एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एफ एक्सटर्नल एक्चुअली होता क्या है, एफ एक्सटर्नल होता है मास इंटू वॉट, एक्सेलरेशन. फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ है, हम इसको ड्राइव करेंगे. तो यहाँ से किसी चीज़ का मास जीरो हो पाना पॉसिबल नहीं है. तो फिर कौन जीरो होगा, एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन वॉट, टी. अगर ये जीरो हो गया, टी इसमें चला गया तो क्या निकल के आ जाएगा, वी बराबर क्या आ जाएगा, यू. यही क्या है हमारा फर्स्ट लॉ. This is a very important law. This is what? A very important law which we have to understand. Newton has given. That is known as what? First law of motion. इसका दूसरा नाम होता है law of inertia. दूसरा नाम क्या है इसका, law of inertia. Now first of all we should understand the meaning of inertia. The meaning of inertia is inability. Inability of a body to change its state of rest or motion. क्या कहने का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक बॉडी के अंदर एक इनएबिलिटी है, कमी है, जिसके खातिर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाती है. फिर इनर्शिया तीन प्रकार के होते हैं. इनर्शिया हम क्या देख रहे हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन. पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तीनों का एग्जाम्पल समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल लीजिए, आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं और ट्रेन भी रुकी है और आप जाके उसके अंदर बैठ गए. अचानक से ट्रेन स्टार्ट होती है, आप कहाँ मूव करते हैं, बैकवर्ड मूव करते हैं. यू आर फॉलिंग व्हाट, बैकवर्ड. यू आर सिटिंग लाइक दिस बट यू विल फॉल बैकवर्ड व्हेन द ट्रेन स्टार्ट्स. ऐसा इसलिए हुआ कि आपके फुट किस में आ जाते हैं, मोशन में आते हैं, लेकिन अपर बॉडी आपकी कहां रहती है, रेस्ट में रहती है. इसलिए वो कहां जाती है, पीछे की तरफ जाती है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इफ द सेम ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और सम वेलोसिटी एंड सडनली इट इज स्टॉप्स, तो ट्रेन स्टॉप्स, व्हाट अकर्स, योर बॉडी विल फॉल फॉरवर्ड. तो उसमें क्या होगा, आपकी होल बॉडी किस में रहती है, मोशन में रहती है. जैसे ट्रेन ने ब्रेक लगाया, सबसे पहले कौन रुक गया, आपके फुट, आपका जो पैर है वो रुक जाएगा, वो स्टॉप होगा. लेकिन अपर बॉडी किस में रहेगी, मोशन में रहेगी. तो आप कहां की तरफ फॉल करेंगे, आगे की तरफ. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इनर्शिया ऑफ मोशन. एक अगला एग्जांपल होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अगर आप एक बस में, एक कार में चल रहे हैं और अचानक से यू टर्न आ जाए और कार बहुत स्पीड से हो, तो आप ऐसा लगेगा कि आप इस साइड फॉल कर रहे हो. देखिए क्या हुआ, आपको सीधे चलना था, आप ऐसे करके बैठे हुए थे, सीधे ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे. अब अचानक से बस ने तो ऐसे टर्न लेना शुरू करा, लेकिन आप कैसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, तो आप अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करेंगे. तो ये तीन एग्जाम्पल्स होते हैं जो लॉ ऑफ इनर्शिया के, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने एक बेसिक चीज आपको बताई. ठीक है, अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, और हमने क्या पाया मेजर थिंग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, दैट इट्स एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, जीरो. तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में तो हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में एक बार देखते हैं. वी हैव फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग
दैट इज एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। और इससे हमें क्या पता चला कि एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। और इससे हमें क्या पता चला कि वी बराबर क्या है, यू है। ठीक है, इससे पता चला कि अगर बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट में है, तो कहाँ पर रहेगी, रेस्ट में रहेगी। और अगर बॉडी कहाँ पर है, मोशन में है, तो कहाँ पर रहेगी बॉडी, मोशन में रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोशन में रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कैसी रहेगी, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन कैसा रहेगा, सेम सेम, और स्पीड कैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मोशन में है तो। ठीक है, तभी एक्सेलरेशन नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में ये जो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो होता है, इसको हम फिजिक्स में एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, इसको हम फिजिक्स में इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम। ये अपने ट्वेल्थ क्लास में बहुत ढंग से आएगा कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बट अभी आप इक्विलिब्रियम का मतलब इतना समझिए कि एफ एक्सटर्नल कितना होता है, जीरो। अब हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, हम इसकी क्या देखते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। तो देखते हैं कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी। हमने देखा कि एफ एक्सटर्नल कितना होता है, जीरो होता है। हमने क्या पाया कि एफ एक्सटर्नल कितना होगा, जीरो। अच्छा, एफ एक्सटर्नल जीरो का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक बॉडी है तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि इधर से कोई फोर्स लग रहा है, कोई इधर से लग रहा है, कोई इधर से लग रहा है, कोई इधर से लग रहा है, कुछ इधर से लग रहे हैं फोर्सेस, कुछ इधर से लग रहे हैं, कुछ इधर से लग रहे हैं। तो देयर आर, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ फोर्सेस, देन एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री एंड सो ऑन प्लस वॉट एफ एन इज इक्वल टू वॉट, जीरो। और ये कौन सा सम है, ये है एलजेब्रिक सम, एलजेब्रिक एलजेब्रिक सम इज ऑफ ऑल द फोर्सेज इज वॉट, जीरो। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेज वॉट, जीरो। ये समझिए आप कि नेट फोर्स उस बॉडी का कितना निकल के आए, जीरो निकल के आए, तब हम फर्स्ट लॉ को लगाएंगे। ये नहीं है कि सिंपल एक फोर्स कोई जीरो हो रहा है, सारे के सारे फोर्सेज। अब हमारी पहली प्रॉब्लम, वी आर डीलिंग विद वॉट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टूडे। लेट अस सपोज इफ दिस इज any ball or anything and there is a string, here is a mass, let us suppose it is of 1 kg, here is another mass which is hanged with another string, it is of 3 kg. The question is, find tension in both the string. आप पढ़ चुके हैं टेंशन निकालने के लिए। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, याद करिए, अपनी FBDs बनानी पड़ेंगी। तो इस बॉडी का मास किधर लाएगा, 3g नीचे, g हमें गिवन है, g कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज गिवन टू अस इन द प्रॉब्लम। 9.8 नहीं ले रहे हम, कितना ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। अच्छा, इस 1 kg का भी तो मास नीचे आएगा, वो कितना हो जाएगा, 1g हो जाएगा, या 1g हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के मासेस हमने ले लिए। अच्छा, ये वाली बॉडी का जो सरफेस है, ये इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लगाएगा, आंसर आ गया, मान लीजिए ये T1 टेंशन लगा रहा है। तो ये वाली बॉडी का भी तो ये सरफेस है, ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, टेंशन लगाएगा, और ये कितना हो जाएगा, T2। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग क्या है, अलग है। लेकिन ये वाला सरफेस भी तो इस बॉडी के ऊपर लगाएगा टेंशन, लेकिन कितना ही लगाएगा, सेम लगाएगा। क्यों लगाएगा सेम, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी है, सेम है। तो स्ट्रिंग सेम होती है तो टेंशन कैसा रहता है, सेम रहता है। अब हम FBD बनाएंगे, पहले किसके लिए बनाएंगे, 3 kg के लिए। तो हम बना रहे हैं FBD फॉर 3 kg ब्लॉक। अब देखिए कैसे बनेगा, हम 3 kg को एक पॉइंट मान लेंगे, एक नीचे की साइड में, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इस 3 kg के लिए, एक नीचे के साइड में क्या आ रहा है, 3g आ रहा है। ठीक है, और ऊपर के साइड में सिर्फ कौन सा आ रहा है, एक ही आ रहा है इस ब्लॉक के खातिर, वो कितना आ रहा है, T1 आ रहा है। बन गया, ऐसे ही हम किसके लिए बनाएंगे, 1 kg के लिए बनाएंगे। जब हम 1 kg के लिए बनाएंगे तो ये हमारा 1 kg हो गया। अब देखिए, इसमें ऊपर के साइड में एक टेंशन आ रही है और वो कितनी आ रही है, T2, और नीचे के साइड में क्या क्या आ रहा है, नीचे के साइड में तो एक 1g आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, एक T1 आ रहा है। बन गई FBD। हमने कहा था उस बॉडी को क्या मान लेते हैं, पॉइंट मास मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये T1 इसको क्या करेगा, इक्वेट करेगा। तो देखिए, अगर मैं इसके लिए देखूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा T1 इज इक्वल टू व्हाट, 3g, और g कितना है, 10, तो ये कितना निकल के आ गया, 30 न्यूटन।
टी वन। यहां देखिए, यहां पर टी टू ऊपर है और बाकी दोनों कहां है, नीचे हैं। तो टी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, और वो कितना हो जाएगा, वन जी प्लस वॉट टी वन। तो यहां से टी टू कितना हो जाएगा, वन इंटू टेन प्लस टी वन कितना है, थर्टी। तो टी टू कितना पाया गया, फोर्टी न्यूटन। आप देखिए इस स्ट्रिंग के ऊपर कितना टेंशन लग रहा है, 30 का, लेकिन इस स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 40 न्यूटन का। क्यों? क्योंकि इसने दो वेट्स को होल्ड कर रखा है, इसलिए इस पे क्या है, ज्यादा है, और इस पे क्या है, कम है। तो समझ में आया, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच वी कैन सॉल्व व्हाट इन दिस वे। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज व्हाट, ये तो हमने एक एक्सिस के लॉन्ग देखा। अगर मान लीजिए दो एक्सिस है तो भी, तो हम रिजॉल्व कर लेंगे फोर्स को, एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट जीरो एक्स एक्सिस, ऐसे एफ वाई इज इक्वल टू वॉट जीरो, और इवन अगर जेड एक्सिस है तो एफ जेड इज इक्वल टू वॉट जीरो। मतलब अगर इक्विलिब्रियम में है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग सारे के सारे फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो, वाई एक्सिस के लॉन्ग सारे के सारे फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो, और जेड एक्सिस के लॉन्ग सारे के सारे फोर्सेस का सम कितना होगा, जीरो। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम इसमें देखेंगे जिसमें एक एक्सिस से हम ज्यादा ले रहे हैं। देखते हैं कैसी प्रॉब्लम है वो। तो सेकंड सेट ऑफ प्रॉब्लम इस तरह से है, इन दिस वे। लेट सपोज दिस इज 5 kg के एग्जाम्पल है, 5 kg का ब्लॉक है, इसको इस रोप ने और इस रोप ने इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रोक रखा, इक्विलिब्रियम में। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगेन फाइंड टेंशन, फाइंड व्हाट, टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। गिवन क्या है आपके लिए, गिवन है जी कितना लेंगे आप, 10 m/s², ठीक है। एक सेकंड पॉज करके देखिए अपने आप को कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज और गिवन है इसमें, यहां पर जो ये एंगल है ये आपको सपोज कर लीजिए दिया हुआ है 60 degree का, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। वैसे जनरली अगर आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये एंगल दिया होगा 37 degree। मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा कैसे 37 degree को हम निकालते हैं, लेकिन आप याद रखिए ये कैसे है, वो कल के प्रॉब्लम में आएगा, अभी हमने 60 ले लिया। तो देखिए सबसे पहले ये वाली सरफेस इसके ऊपर इधर टेंशन लगाएगी, मैंने मान लिया ये टेंशन कितनी है T1, और ये वाली सरफेस इसके ऊपर इधर टेंशन लगाएगी, आप छाता खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा T2, और इसका मास कहाँ आएगा, नीचे 5g यहाँ आएगा, ठीक है। इसका बन गया, हमें सिर्फ किसके लिए निकालना है, 5 kg, और तो कुछ है नहीं कोई यहां पर, तो हम सिर्फ 5 kg का FBD बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, FBD ऑफ 5 kg ब्लॉक। देखिए कैसे बनेगा, आप 5 kg ब्लॉक को यहां लगा दिए छोटा सा, नीचे क्या आ रहा है अपने पास में, 5g आ रहा है, इस साइड में क्या आ रहा है अपने पास में, T1 आ रहा है, और इस साइड में क्या आ रहा है, कितना आ रहा है आपके पास में, यहां पर आ रहा है T2 आ रहा है। ध्यान से देखिए एक स्टेप, ये एंगल कितना दिया है 60 degree, अगर मैं यहां से ऐसे करके नीचे जाऊं और एक इस तरीके से परपेंडिकुलर लिख लूं तो ये कैसा बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 degree होगा। तो मैं अगर इसको ऊपर बढ़ाऊं तो ये एंगल कितना पाया जाएगा, 60 degree का पाया जाएगा। नाउ व्हाट इज द बेसिक थिंग, द बेसिक थिंग इज दैट इफ इट इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वॉट माई वाई एक्सिस, आई हैव टू रिजोल्व दिस T2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वॉट वाई एक्सिस। ऐसी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होता है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो आप दो एक्सिस ले लीजिए, एक एक्सिस एक्स और एक क्या ले लीजिए वाई, जो चीज उस एक्स और वाई एक्सिस पे नहीं आ रही है उसको रिजोल्व करिए, उसको क्या करिए आप, रिजोल्व करिए। और रेजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स आपने पिछले चैप्टर पढ़ा है कैसे रिजोल्व करते हैं, तो रिजोल्व करिए अलॉन्ग एक्स एंड वॉट वाई। तो रिजॉल्व करने का तरीका, ये एंगल है, इस एंगल के अलोंग अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये जो वैल्यू है वो तो आएगी ही आएगी T2, और क्या साथ में अगर एंगल लगा हुआ तो क्या जाता है, कॉस आ जाता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस 60। और इधर मैं अगर इसको रिजॉल्व करूं इस कंपोनेंट को तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 साइन 60। तो एंगल के साथ में क्या आता है, कॉस, और एंगल से दूर क्या आता है, साइन। FBD बन गई, ये फोर्स ऊपर लग रहा है और ये फोर्स नीचे, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये ऊपर है और ये नीचे है, और ये आमने है और ये सामने, इधर आगे पीछे है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले T1 इज इक्वल टू T2 साइन वॉट 60। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, दूसरी इक्वेशन बनेगी T2 cos
60 इज इक्वल टू वॉट 5g। तो इसको अच्छे से लिखोगे अगर आप, तो आपकी सेकेंड इक्वेशन यहां से अगर आप देखिए तो आपकी इक्वेशन 2 क्या बनी, इक्वेशन 2 जो हमारी बनी, या यहां मत लिखिए, दूर हो गया ये थोड़ा सा, मैं यहां लिख रहा हूं। तो देन योर इक्वेशन नंबर 2 विल बी वॉट, इक्वेशन 2 इज वॉट, इक्वेशन 2 इज t2 cos 60 इज इक्वल टू हाउ मच, 5 इंटू जी, एंड द वैल्यू ऑफ वॉट, जी इज वॉट, तो t2 cos 60 इज इक्वल टू 50, जी इज वॉट 10, आपको दिया है क्वेश्चन में। तो यहां से t2 कितना निकल के आ गया, 50 अपॉन वॉट cos 60, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस एंड गेट योर सॉल्यूशन, दिस इज वॉट न्यूटन, एंड दिस वैल्यू आप इसको यहां रख दीजिए, पुट t2 इन इक्वेशन 1, तो जरा देखिए t1 कितना आ जाएगा, तो आपके पास t1 आ जाएगा, t2 की जगह पर लगाइए इस इक्वेशन में, 50 अपॉन cos 60 इंटू हाउ मच, इंटू sin 60। अच्छा cos 60 अपॉन sin 60 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, t1 इज इक्वल टू वॉट 50 इंटू वॉट 1060, और दिस इज वॉट न्यूटन, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1060 √3। तो ये दूसरे टाइप की प्रॉब्लम हो गई, आप कॉस 60 और 1060 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यूज आप लगा सकते हैं। तो समझ में आया, ये एक सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम थी, इसमें हमने क्या करा, हमने रिजॉल्व करा, हमने से बेसिकली क्या करा, रिजॉल्व करा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, इसकी और प्रॉब्लम हमें मिलेंगी अभी आगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज वॉट, दैट इज ऑन इंक्लाइन, किसके ऊपर बेस्ड है वो, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। देखते हैं, ये सब के सब फर्स्ट लॉ के ऊपर प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी कहां पर है, इक्विलिब्रियम में है, कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है अपना, अब हम बात कर रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, सपोज करिए ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने इस तरह से, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए, ये इस तरह से, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। यहाँ पर कोई एक मास है, ब्लॉक है, जिसका मास कितना है, m, और इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिंग से होल्ड कर दिया है, ठीक है, ये तो दिस इज ब्लॉक इज स्टॉप आउट। नाउ द ब्लॉक इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट मूव डाउनवर्ड, बट इफ आई विल से फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इसमें आपको टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों निकालनी है, दोनों टाइप की प्रॉब्लम आ गई है भैया, ठीक है, और वही है, गिविन है, गिविन क्या है भाई, गिविन जी इज इक्वल टू 10, लेकिन आप जी ले लीजिए, इसमें जनरल हम सॉल्व करें, मैं एक बता रहा हूँ तरीका, फिर हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम, टेंशन इस ब्लॉक से, टेंशन किधर लगेगी, इधर की तरफ लगेगी, ठीक है, इधर की तरफ टेंशन। अच्छा ये बॉडी, ये सरफेस, इसको क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 90 है और ये एंगल 90, अगर आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों एंगल भी कैसा पाए जाएंगे, 90 पाए जाएंगे। तो ये सिस्टम समझ में आया। अच्छा इसका वेट कहां लगेगा, वेट इसका बिल्कुल सीधा नीचे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट, एम इनटू जी। अब इतने से हिस्से का आप एफ बी डी बनाइए, किसका, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ऑफ मास, मास एम ब्लॉक, देखते हैं कैसा बनेगा। तो ये मेरे पास मास एम है, इसके ऊपर एक इधर लग रही है टेंशन टी, इधर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन एन, और दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, 90, देख लीजिए दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहां कहीं बिल्कुल सीध में नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, मास कितना था अपने पास में, एम था। Now how to resolve this type of problems? This is the biggest question to us. ठीक है भाई, तो ऐसी प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। अच्छा एक चीज और देख लिया ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस वॉट थीटा, और अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये एंगल कितना निकल के आ जाएगा वो देखिएगा आप, तो इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना होगा, ये अगेन कितना निकल के आ जाएगा, थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास में, थीटा, इसका हम यूज करेंगे अभी। तो सेम थिंग, आई हैव टू रिजॉल्व द टू एक्सिस, मुझे दो एक्सिस चाहिए, तो मेरे लिए देखिए बड़ा आसान है,
ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पे बन रहे हैं, 90 पे। तो एक एक्सिस तो मैं ये मान लूंगा और एक एक्सिस कौन सी मान लूंगा, ये। तो मैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए डायग्राम चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक ये टेंशन से पैरेलल लाइन बनाने की कोशिश करी कुछ इस तरह से, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर पास कर दिया। तो मेरी एक एक्सिस ये हो गई, इस पर मैंने क्या ले लिया, टेंशन, और एक एक्सिस मेरी ये हो गई, इस पर क्या ले लिया मैंने, नॉर्मल रिएक्शन। दोनों के बीच में 90 एंगल है। तो अगर ये मेरी x हो गई तो ये एक्सिस मेरी क्या हो जाएगी, y, और नीचे वेट मेरा कहां जा रहा है, mg नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना निकल के आ रहा है, डायग्राम में देखिए कितना निकल के आ रहा है, थीटा। ये एंगल कितना निकल के आ रहा है मेरे पास में, थीटा, हमने डायग्राम में देखा। अब क्या करना है आपको, इस mg कंपोनेंट को x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग क्या करना है, रिजॉल्व करना है। तो देखिए, इस mg को अगर y के अलोंग आप रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, थीटा लगा हुआ, ये क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, अगर आप इधर रिजॉल्व करेंगे इट विल बी व्हाट, mg cos थीटा, और अगर इसी mg को आप इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। अब बड़ा आसान है, नॉर्मल रिएक्शन के सामने क्या आ रहा है, mg cos थीटा, और इसके सामने क्या आ रहा है ये, तो आपका टेंशन कितना निकल के आ गया यहां से, सो टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू mg sin थीटा फर्स्ट, एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, mg cos थीटा। तो आप चाहे तो याद कर लें, इधर की साइड अगर आप रिजॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा, साइन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, mg, और इसके नीचे की साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन कंपोनेंट ऑफ व्हाट, सॉरी cos कंपोनेंट ऑफ व्हाट, mg। तो ये हमने एक तरीका देखा, ये एक मेथड है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस मेथड पे बेस्ड, देखते हैं कैसे होगी। सपोज करिए सेम सिस्टम है, देयर इज अ ब्लॉक, इज अ सिस्टम लाइक दिस, ये, और यहां पर एक ब्लॉक है, मान लीजिए ब्लॉक 5 केजी का है, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, और यहां पर एक हमने एक इस तरह से सपोज कर लीजिए एक ये पुली लगा दी, ठीक है, ये पुली है और ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर पड़ी हुई है, और ये यहाँ पर एक ब्लॉक और है, और ये ब्लॉक मान लीजिए 2 केजी का है, ये कितने केजी का है, 2 केजी का है। बोथ द थिंग्स आर एट व्हाट, रेस्ट, मतलब 2 केजी एंड 5 केजी आर इन व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, गिवन दैट 2 केजी एंड 5 केजी आर इन इक्विलिब्रियम। तो आपको प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप की, जब कहां पर हो, पुली, इक्विलिब्रियम में हो पुली, मतलब देयर इज नो मोशन इन द पुली, ठीक है। तो देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड थीटा एंगल, और जी कितना दिया हुआ है, जी दे रखा है 10। स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ द एफबीडी, हम क्या बनाएंगे, एफबीडी। तो देखिए ये ब्लॉक, इसका मास कहां लग रहा है, नीचे, कितना लग रहा है, 2g, और इस पे ये टेंशन कहां लग रही है, ऊपर, t। अच्छा, ये पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है, तो इस पे ये वाला हिस्सा जो टेंशन लगाएगा वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, और वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, वैल्यू कैसी होगी दोनों की, सेम होगी, ठीक है, क्योंकि धागा कैसा है, एक स्ट्रिंग कैसी है, एक। दूसरा, इस पे यहां पर एक क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो कितना लगेगा, n, और अभी आपने पिछले प्रॉब्लम देखा कि इस साइड का कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा 5g sin थीटा, sin कंपोनेंट, और इधर वाला क्या आएगा, इधर वाला आएगा 5g cos थीटा। एफबीडी बन गई। पहले हम इसके लिए देखते हैं फॉर 2 kg, हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए देखिए ये 2 kg का ब्लॉक है, ऊपर क्या लग रही है, टेंशन, और नीचे क्या लग रही है, 2g, हो गई एफबीडी। अब हम बात करते हैं फॉर 5 kg, अब देखिए अगर ये 5 kg का ब्लॉक था तो इस साइड में क्या लग रहा है, इस साइड में लग रहा है 5g sin थीटा, ऊपर के साइड में क्या लग रहा है, इसके ठीक सामने टी लग रही है, टेंशन। अच्छा, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और इधर क्या लग रहा है इसमें, 5g cos थीटा। ये दोनों फोर्सेस इक्वेट हो जाएंगे, ये दोनों और ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टी
क्या निकल के आएगा, टी इज इक्वल टू हाउ मच, टी इज इक्वल टू हाउ मच, टी इज इक्वल टू 2g एंड हाउ मच द वैल्यू ऑफ g, 10, तो 2 इंटू हाउ मच 10, दिस इज हाउ मच 20 न्यूटन। तो टी निकाल लिया आपने फर्स्ट थिंग, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अनदर थिंग। यहां पर देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 5g साइन वॉट थीटा। अच्छा टी है कितना 20, तो 20 इज इक्वल टू 5g कितना है 10 इज इक्वल टू वॉट साइन थीटा, 0 से 0 कैंसिल, तो यहां से साइन थीटा कितना निकल के आ गया, आंसर आ गया 2/5, तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ वॉट 2/5, तो इट इज हाउ मच, इट इज साइन इनवर्स ऑफ वॉट 2/5। दूसरा कंपोनेंट निकल के आ गया आपके पास में, थीटा आ गया और ये आ गया, अब क्या बचा आपके पास में, ये निकालना, तो अब इसको और इसको इक्वेट कर दिए, जब इक्वेट करेंगे तो n इज इक्वल टू हाउ मच 5g इंटू वॉट कॉस थीटा। यहां से देखें तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू g इज हाउ मच 10 एंड कॉस थीटा क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा आपने 10th क्लास की आइडेंटिटी पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से n इज इक्वल टू हाउ मच 50 इन ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस, साइन की वैल्यू कितनी थी 2/5, तो क्या आ जाएगा 2/5 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, तो इन दिस वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, इंक्लाइंड प्लेन। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If there is one more question is left out, that we will discuss in the next lecture, and we will start Newton's second law of motion in the next lecture, and that is known as real law of motion. Uski problems bahut achhi hain aur wo samajhne mein bahut acha hai, to aapko aur interest aayega. To stay home, stay safe, take care.